नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो मेरा लेक्चर आएगा एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में हमने पिछले लेक्चर में देखे थे गाय की, हमने दुधारू नस्ल देख लिए थे और द्विकाजी। तो आज हम भारवाही स्टार्ट करते हैं गाय की भारवाही नस्ल। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गाय की भारवाही नस्ल कौन कौन सी होती है। भारवाही मतलब ये होता है कि गाय की जो होता है हमारे कृषि कार्यों तथा बोझा ढोने, किसके लिए किसी कार्य तथा बोझ ढोने के लिए जो नस्ल या जो पशु प्रयोग किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भारवाही नस्ल कहते हैं। तो भारवाही नस्ल इतना ध्यान रखना कि जो हमारे यानी पशु होते हैं उनको मतलब बोझा ढोने और कृषि कार्यों के लिए, क्या कृषि कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, भारवाही नस्ल कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारवाही नस्ल कौन कौन सी होती है। भारवाही तो हमें सबसे पहले इनका नाम पता होना चाहिए कि भारवाही नस्ल कौन कौन सी होती है। तो हमारे जो अमृत महल, कौन से हो जाए, अमृत महल हो जाए, नागौरी कमा गंगा तीरी, क्या हो जाएगा, गंगा तीरी। उसके नेक्स्ट आ जाता है पवार, उसको कैन कथा, समझे कैन कथा। उसके बाद खेरीगढ़, क्या हो जाए, खेरीगढ़। ये सब हमारी किसके अंतर्गत आती है, यानी गाय की भारवाही नस्लों के अंतर्गत ये सब आती है। तो भारवाही नस्लों, अब इनमें हम एक एक नस्ल के बारे में पूरा डिटेल से यानी विस्तृत रूप से पहले एक एक नस्ल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमृत महल नस्ल, कौन सी, अमृत महल। अमृत महल नस्ल, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले यहां पर ये बनता है कि गाय की जो अमृत महल नस्ल होती है वो कैसी नस्ल है, भारवाही, द्विकाजी, विदेशी या दुधारू। तो कौन सी नस्ल है हमारी, अमृत महल भारवाही नस्ल है। अब इसका हम देख लेते हैं मूल स्थान यानी जन्म स्थान या नेटिव प्लेस, क्या हो जाएगा, मूल स्थान। तो इस नस्ल का हमारा मूल स्थान हो जाएगा मैसूर क्षेत्र माना जाता है, क्या, मैसूर क्षेत्र माना जाता है। इस नस्ल का मूल स्थान मैसूर क्षेत्र माना जाता है। क्या माना जाता है, मैसूर क्षेत्र माना जाता है, तो मूल स्थान हो गया। और यह जो हमारी अमृत महल नस्ल ये कहां पर पाई जाती है, मुख्य रूप से यह जो हमारी नस्ल तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में, कहां पर, तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है। यह नस्ल तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में, तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना कि हमारी जो अमृत महल नस्ल होती है भारत के किस राज्य में और कहां पर मुख्य रूप से पाली जाती है, पाई जाती है, तो तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी भागों पर, कहां पर, दक्षिणी भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है अमृत महल के नस्ल जो होते भयावह, बहुत भयावह मतलब डरावने होते, कैसे होते, डरावने होते हैं। अमृत महल नस्ल के पास बहुत भयावह, क्या होते हैं, बहुत भयावह होते हैं, मतलब भयावह
मतलब डरावने होते। कैसे होते? बहुत डरावने होते। इनका जो आकार बहुत बड़ा होता तो इसलिए क्या होता, बहुत डरावने भयावह होते हैं और इन्हें बांध कर रखा जाता है। क्या होते? भयावह होते हैं। और इन्हें बांध कर रखा जाता है, बांध कर रखा जाता है। तो ये ध्यान अमृतमहल नस्ल के जो पशु होते हैं बहुत भयावह है, मतलब बहुत डरावने होते हैं। और इन्हें जो पाला जाता है किस, बांध के रखा जाता है। कैसे? बांध कर रखा है, इन्हें छोड़ा नहीं जाता। अगर कहीं ये छूट जाए तो क्या होता है, दिक्कत हो सकती है। यानी जो यानी हमारे जो ह्यूमन होते हैं उसको देख रेख जो करते हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये इनके मुख्य लक्षण हम आप सबको बता रहे हैं। तो इतना हो गया। उसके बाद और हम आगे देख लेते हैं इनके मेन मेन लक्षण क्या क्या होते हैं। इस नस्ल के पशु छोटे, कैसे छोटे और शक्तिशाली होते हैं। क्या होते हैं? छोटे और शक्तिशाली होते हैं। कैसे होते? छोटे और शक्तिशाली होते हैं। इन इस नस्ल के जो पशु होते हैं कैसे होते? छोटे होते हैं, इन्हें इनकी ऊंचाई या लंबाई कम होती है, लेकिन तो क्या होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो एक बार दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं, अमृतमहल क्या है? ये गाय की भारवाही नस्ल है। इस नस्ल का मूल स्थान, इस नस्ल का मूल स्थान मैसूर क्षेत्र माना जाता है। क्या? मैसूर क्षेत्र माना जाता है। यह नस्ल तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी भागों में, कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि अमृतमहल नस्ल के पशु बहुत भयावह होते हैं। कैसे? डरावने होते हैं और ये बांध कर रखे जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि इस नस्ल के पशु छोटे और शक्तिशाली होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं तथा शक्तिशाली होते हैं। अब इनका दुग्ध उत्पादन देख लेते हैं। दुग्ध उत्पादन, अब इनका दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 2 से 3 लीटर प्रतिदिन। कितना होता है? 2 से 3 लीटर प्रतिदिन होता है। ये ध्यान रखना, प्रतिदिन इनका जो दुग्ध उत्पादन होता है, यानी एक दिन में ये 2 से 3 लीटर दूध देती है। कितना? एक दिन में 2 से 3 लीटर दूध का ये उत्पादन करती। तो ये हमारी कौन सी नस्ल थी? अमृत महल नस्ल थी, जो गाय की भारवाही नस्ल थी। अब अगले नस्ल हम देखते हैं, नागौरी नस्ल। नागौरी नस्ल, अब गाय की नागौरी नस्ल के बारे में देख लेते हैं। अब सबसे पहले इसका देख लेते हैं मूल स्थान, यानी उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान। क्या देख लेते हैं? इसका मूल स्थान। अब इस नस्ल का जो मूल स्थान होता है, यानी जोधपुर, क्या कहते हैं? राजस्थान के जोधपुर का उत्तरी पूर्वी भाग माना जाता है। क्या? उत्तरी पूर्वी भाग माना जाता है। इस नस्ल का मूल स्थान राजस्थान के जोधपुर जिला, जोधपुर जिला का उत्तरी पूर्वी, जोधपुर जिला का उत्तरी पूर्वी भाग माना जाता है। उत्तरी पूर्वी भाग माना जाता है। तो ये ध्यान रखना, यानी जो हमारी ये नस्ल है नागौरी है, इस नस्ल का मूल स्थान या नेटिव प्लेस अगर पूछ लेता है तो इस नस्ल का मूल स्थान का राजस्थान का जोधपुर, राजस्थान एक राज्य स्टेट है, उसका जोधपुर जिला का उत्तरी पूर्वी भाग क्या माना जाता? उत्तरी पूर्वी भाग माना जाता। उसके बाद अगला हम देखते हैं, यह नस्ल
भारवाही नस्लों में से प्रमुख नस्ल मानी जाती है। यह नस्ल भारवाही नस्लों में से प्रमुख मानी जाती है, प्रमुख मानी जाती है या नस्ल भारवाही नस्ल में से सबसे उत्तम नस्ल होती क्या, सबसे उत्तम नस्ल होती या प्रमुख नस्ल मानी जाती है। इस नस्ल के पशुओं का रंग यानी इस नस्ल के पशुओं का रंग सफेद और धूसर होता है। कैसा होता है? सफेद और धूसर होता है। इस नस्ल के पशुओं का रंग सफेद तथा धूसर होता है। कैसा होता है? सफेद तथा धूसर होता है। ये ध्यान रखना, कैसा होता है? सफेद तथा धूसर होता है। यानी गाय की जो नागावरी नस्ल है, ये नस्ल मुख्य रूप से यानी जितनी भी भारवाही नस्ल है उनमें प्रमुख नस्ल मानी जाती है। और इस नस्ल के पशुओं का रंग प्रायः सफेद तथा धूसर होता है। कैसा होता है? सफेद तथा धूसर होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं इसके नर पशु का भार यानी नर मतलब सांड जो होते हैं, क्या होते हैं? सांड या बैल होते हैं। उनका भार कितना होता है? 500 किलोग्राम। कितना होता है? 500 किलोग्राम। उसके बाद आ जाता है कि मादा नस्ल का भार। उसके बाद क्या हो जाता है? मादा नस्ल का भार 408 किलोग्राम। कितना होता है? 408 किलोग्राम होता है। तो हम एवं द्वारा आप सबको अच्छे से बता दे रहे हैं, तो इसको आप जरूर समझ लीजिए। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो एनएम थ्योरी टाइप आपको पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्टिव बता रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। और कम कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, उसको आप यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे जो कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले नागौरी नस्ल गाय की भारवाही नस्ल। इसका मूल स्थान राजस्थान के जोधपुर जिले का उत्तरी पूर्वी भाग माना जाता है। इस नस्ल के पशु में से भारवाही नस्ल में से सबसे प्रमुख नस्ल कौन सी होती है? तो नागौरी होती है। एक क्वेश्चन ये आपके मन में महत्वपूर्ण है कि भारवाही नस्लों में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे उत्तम नस्ल कौन सी होती है? तो हमारी कौन सी हो जाएगी? नागौरी नस्ल हो जाएगा। इसका प्राय जो पशु का रंग होता है सफेद या धूसर होता है। और नर पशु का भार 500 किलोग्राम, मादा का भार कितना होता है? 408 किलोग्राम होता है। अब हम आगे देखते हैं इस नस्ल में एक महत्वपूर्ण करैक्टर है। यह नस्ल दुल्की चाल के लिए प्रसिद्ध है। यह नस्ल दुल्की चाल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध? दुल्की चाल मतलब यह बहुत धीरे धीरे चलती। कैसे? बहुत धीरे धीरे चलती। तो यह महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गाय की कौन सी ऐसी नस्ल है जो दुल्की चाल के लिए प्रसिद्ध है? तो नागौरी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? नागौरी। अब आ जाता है इसका दुग्ध उत्पादन। क्या हो जाएगा इसका? दुग्ध उत्पादन। अब दुग्ध उत्पादन इनका कितना होता है? 3 से 4 किलोग्राम प्रतिदिन होता है। यह ध्यान रखना, इस नस्ल का जो दूध उत्पादन हो जाए एक दिन में 3 से 4 किलोग्राम दूध उत्पादन होता है। तो यह नस्ल हो गई नागौरी। उसके बाद अगली नस्ल हम देखते हैं गंगा तीरी। कौन सी हो जाएगी? गंगा तीरी। गंगा तेरी विधाय की कौन सी भारवाही नस्ल? अब इसका देख लेता मूल स्थान या सबसे पहले इसका हम देखते तो उपनाम। एक उपनाम सॉरी देख लेते उपनाम यानी इसको और कुछ नाम से जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण कोई चल होता है कि गंगा तेरी जो हमारी गाय की नस्ल है भारवाही है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो और किस नाम से? शाहाबादी नस्ल के नाम से जाना जाता है। शाहाबादी
किस नस्ल के नाम से जाना जाता है? शाहाबादी नस्ल के नाम से जाना जाता है। अब इसका आ जाता मूल स्थान, क्या हो जाएगा? मूल स्थान या नेटिव प्लेस। अब मूल स्थान क्या होता है? इस नस्ल का मूल स्थान बिहार राज्य का शाहाबाद या छपरा जिला माना जाता है। क्या? यानी इस नस्ल का जो मूल स्थान होता है बिहार राज्य का शाहाबाद व छपरा जिला माना जाता है। इस नस्ल का मूल स्थान बिहार राज्य का शाहाबाद व छपरा जिला माना जाता है। क्या माना जाता है? वह छपरा जिला माना। तो ये ध्यान रखना कि गाय की जो गंगा तेरी नस्ल होती है इसको किस नाम से जाना जाता है? शाहाबादी नस्ल के नाम से जाना जाता है। इसका मूल स्थान बिहार राज्य का शाहाबाद और छपरा जिला माना जाता है। अब यह नस्ल कहां पर पाई जाती है? देख लेते हैं, मुख्य रूप से यह नस्ल कहां पर पाई जाती है? गंगा तेरी नस्ल जो कि जो पशु उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कहां पर? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर बलिया व वाराणसी जिले में पाई जाती है। यह नस्ल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कहां पर? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर बलिया तथा वाराणसी जिले में, और कहा बलिया मिर्जापुर बलिया तथा वाराणसी, कहां पर? वाराणसी, कहां पर? बलिया तथा वाराणसी जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना, यानी अगर देखा जाता है कि गाय की गंगा तेरी जो नस्ल होती है कहां पर, उत्तर प्रदेश में अगर देख लेते कहां पर पाई जाती है, तो मिर्जापुर बलिया तथा वाराणसी जिले में मुख्य रूप से ये पाई जाती है। ये हो गए इनके लक्षण, और हम आप सबको धीरे धीरे बता रहे हैं। अब देख लेते हैं कि सामान्य लक्षण क्या होते हैं, यानी सामान्य नॉर्मल कैरेक्टर क्या होते हैं, सामान्य लक्षण क्या होते हैं। सामान्य लक्षण, तो सामान्य लक्षण में क्या क्या होते हैं? गंगा तेरी नस्ल के पशु छोटे कद के गंगा तेरी नस्ल के पशु छोटे कद के तथा शांत स्वभाव के होते हैं। कैसे होते? छोटे कद के तथा शांत स्वभाव के होते हैं। इन पशुओं का रंग जो होता है, इन पशुओं का रंग सफेद, इन पशुओं का रंग सफेद कम सिर लंबा तथा चमकीली आंखें होती हैं। तथा इनकी आंखें कैसे चमकीली होती? कैसे होती? चमकीली होती हैं। तो इनके सामान्य लक्षण यानी इनके करैक्टर क्या क्या होते हैं? तो गंगा तेरी नस्ल के पशु छोटे कद के तथा शांत स्वभाव के। कैसे? छोटे कद के तथा शांत स्वभाव के होते हैं। इन पशुओं का रंग सफेद सिर लंबा तथा
चमकीली आंखें होती, आंखें कैसी होती, चमकीली होती है। अब आ जाता हूं उपयोगिता, यूटिलिटी यानी उपयोगिता। अब उपयोगिता क्या हो जाता है, गंगा तेरी नस्ल के बैल परिश्रम यानी जो काम करने के लिए सबसे उपयोगी, जो हमारे खेती के कार्यों के लिए सबसे यानी उपयुक्त होते हैं, कैसे यानी गंगा तेरी जो नस्ल होते हैं इनके बैल जो होते हैं क्या होते हैं, कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा तेरी नस्ल के बैल कृषि कार्यों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। यानी ये कृषि कार्यों के लिए बहुत ही अच्छे या प्रसिद्ध माने जाते हैं। और इसमें आ जाते इस नस्ल के पशुओं के जो आयन होता क्या होता, बड़ा होता, क्या होता, आयन बड़ा तथा जिससे तथा पूर्ण रूप से ये विकसित होता है। इस नस्ल के पशुओं का आयन बड़ा होता है जिसमें धन पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, और दुग्ध सिराएं स्पष्ट होती हैं, और दुग्ध सिराएं कैसी होती है, स्पष्ट होती है। तो ये हम इनके लक्षण के बारे में आप सबको बता रहे हैं। अब इस पर एक बार दोबारा इनके सामान्य जो लक्षण होते हैं इनको दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। तो सामान्य लक्षण गंगा तेरी नस्ल के पशु छोटे कद के, कैसे छोटे कद के तथा शांत स्वभाव के होते हैं, कैसे होते, शांत स्वभाव के होते हैं। इन पशुओं का रंग सफेद, सिर लंबा तथा चमकीली आंखें होती है, सफेद होता रंग, सिर लंबा होता है तथा चमकीली आंखें होती है। उसको नेक्स्ट आइए तो उपयोगिता या यूटिलिटी। गंगा तेरी नस्ल के बैल किससे कार्यों के लिए प्रसिद्ध होते हैं, किसके लिए, हमारे जो कृषि कार्य होते हैं खेती के लिए उसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। इन इस नस्ल के पशुओं का आयन बड़ा होता है, कैसे आयन थन जो होता, आयन जो होता बड़ा होता है जिसमें थन पूर्ण रूप से विकसित, आयन जो बड़ा रहेगा उसमें थन पूर्ण रूप से विकसित होता है। और दुग्ध सिराएं अस्पष्ट होती है, कैसे होती है, दुग्ध सिराएं जो होती है वो अस्पष्ट रूप से होती है। अब आते हैं इनका दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन क्या हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। अब इनका दुग्ध उत्पादन कितना होता है इसको हम देख लेते हैं। तो 4.5 से 5 लीटर प्रतिदिन होता, कितना होता, 4.5 से 5 लीटर प्रतिदिन तो ये ध्यान रखना इनका दुग्ध उत्पादन कितना होता है, तो 4.5 से 5 लीटर प्रतिदिन होता है। ये हमारे थी गाय की गंगा तेरी नस्ल। अब दूसरी नस्ल आ जाती है हमारी खेरी गाय। खेरी गाय अब खेरी गाय नस्ल इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब सबसे पहले इसका देख लेते हैं मूल स्थान।
क्या दे लेते हैं, मूल स्थान, क्या दे लेते हैं, मूल स्थान। तो इस नस्ल का जो मूल स्थान होता है, घाघरा के उत्तर में सरयू तथा मोहन नदियों का क्षेत्र माना जाता है। इस नस्ल का मूल स्थान घाघरा, घाघरा का सरयू क्षेत्र, इस नस्ल का मूल स्थान घाघरा का सरयू क्षेत्र, सरयू इतना लिख दीजिएगा, सॉरी, घाघरा का सरयू और मोहन नदियों का क्षेत्र माना जाता है। और मोहन नदियों का क्षेत्र माना जाता है। मोहन नदियों का क्षेत्र माना, तो इस नस्ल क्या हो जाएगा, मूल स्थान यानी ओरिजिन प्लेस या मूल स्थान, इसका उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं या अथवा, इसका एक और हो जाता है, देख लेते हैं, या उत्तर प्रदेश का लखीमपुर, क्या लखीमपुर खीरी जिला माना जाता है, क्या उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला माना जाता है, उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला माना जाता है। या उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला माना जाता है। तो इस नस्ल का मूल स्थान बता रहे, दोनों हो सकता है क्या, इस घाघरा का सरयू या मोहन नदियों का क्षेत्र या उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला माना जाता है। तो इनके मूल स्थान यानी नेटिव प्लेस हो गया। अब हम देख लेते सामान्य विवरण, इनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। सामान्य विवरण, यह सामान्य लक्षण है। इस नस्ल के पशुओं का मुंह सकरा कैसा होता, मुंह सकरा होता यानी पतला होता और सिंग लंबे होते, कैसे होते, सिंग लंबा, आंखें चमकदार और कान और आंखें चमकदार तथा कान और गर्दन छोटे होते हैं। इन पशुओं का बता रहे थे कि इन पशुओं का मुंह सकरा, मुंह कैसा होता, सकरा होता, सिंग लंबे, क्या होता, मुंह सकरा हो जाएगा, सिंग लंबा, आंखें चमकदार, आंखें कैसे होते, चमकदार, कान और आंखें चमकदार होते हैं, कान और गर्दन क्या हो जाएगा, कान और गर्दन छोटे होते हैं। यह ध्यान रखना कि कान और गर्दन कैसे होते, छोटे होते हैं। तो इनके सामान्य विवरण में हम बता रहे थे इनके सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इन पशुओं का मुंह सकरा, मुंह कैसा होता, सकरा यानी पतला होता है, सिंह लंबे, आंखें चमकदार, कान और गर्दन छोटे होते हैं। उसके बाद इन पशुओं में कुक्कर यानी हम पर काफी विकसित होते हैं या पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, या इन नस्ल में ककुद यानी जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम पर पूर्ण रूप से विकसित होते हैं।
पाए जाते हैं, यानी वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। तो आप सब देखेंगे पशुओं में ऐसे क्या रहता है, ये ऐसे रहता है, नहीं ये कुकर रहता है, कैसे कुकर, ये पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होते हैं, विकसित होते, यही क्या होता है कुकर, तो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। और इनका रंग है, और इनका रंग यानी ये किस कलर के होते हैं इसको भी देख लेते हैं, सफेद या काला चित्तीदार होते, और इनका रंग प्रायः सफेद व काला चित्तीदार होता है। चित्तीदार होता है, तो ये ध्यान रखना, और इनका रंग प्रायः सफेद व काला चित्तीदार होता है। अब आ जाता है इसमें इनका आ जाता है नर का भार कितना होता है, मादा का भार, तो नर का भार यानी जो नर पशु होते हैं उनका भार कितना होता है, 408 किलोग्राम, कितना होता है 408 किलो, और मादा का भार 318 किलोग्राम, कितना हो जाएगा 318 किलोग्राम होता है। तो ये ध्यान रखना कि खेरी के जमा समय तो इनका समान भी, इन पशुओं के मुंह सकरा, सिंह लंबा, आंख चमकदार, कान और छोटे, कान और गर्दन छोटे होते हैं। इन पशुओं में कुकर या हम्प पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इनका और इनका रंग प्राय सफेद व काला चित्तीदार होता है, और इनमें नर का भार 408 किलोग्राम, मादा का भार होता 318 किलोग्राम। अब लास्ट इसमें बताते हैं दुग्ध, दुग्ध उत्पादन यानी लास्ट क्या हो जाए, दुग्ध उत्पादन कितना होता है इनका, दुग्ध उत्पादन जो ना समझते दूध उत्पादन का, यानी इनका दूध का प्रोडक्शन बहुत कम होता है, तो 3 किलोग्राम प्रतिदिन होता है, ये ध्यान रखना 3 किलोग्राम प्रतिदिन। तो हमारी खेरी जो नस्ल थी ये भी किसके अंतर्गत आती है, भारवाही नस्लों के अंतर्गत आती है। हमने आप सबको इसके बारे में पूरा बता दिया। अब लास्ट नस्ल आ जाती है कैन कथा, क्या हो जाएगी कैन कथा, तो गाय की भारवाही नस्ल आज हम यहीं पर समाप्त कर देंगे पूरा। कैन कथा नस्ल, तो हमारे इस एक बार हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट कि हमारे इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप और कमेंट दीजिएगा, यानी अगर आप सब्सक्राइब या कमेंट करते लाइक करते तो हमें थोड़ा आप सबकी तरफ से मोटिवेशन मिलता, क्या मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हमें वीडियो बनाने में और अच्छा लगेगा कि आप सब देख रहे हैं, आप सबको वीडियो कैसा लग रहा है, ये सब जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मूल स्थान, तो इस नस्ल का मूल स्थान उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र माना जाता है। मूल स्थान, तो इस नस्ल का मूल स्थान उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र माना जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र माना जाता है। तो ये ध्यान रखना निगाह की जो कैन कथा नस्ल होती है इसका मूल स्थान उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र माना जाता है। ये नस्ल जो होती है बांदा के केन नदी, कहां पर, बांदा के केन नदी के निकटवर्ती भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है यह नस्ल, बांदा के केन नदी के निकटवर्ती भागों में
के निकटवर्ती भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है। मुख्य रूप से पाई जाती है, तो ये ध्यान रखना। यानी जो गाय की कैन कथा नस्ल होती है हमारे मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है, तो बांदा के कैन नदी के निकटवर्ती भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है। अब इनके सामान्य विवरण क्या होते हैं देख लेते हैं। क्या जो सामान्य विवरण, तो इन पशुओं के जो आकार होता कैसा होता, छोटा होता और पीठ क्या होते सीधे होते, टांगे छोटे और नुकीले होते हैं। इन पशुओं का आकार छोटा, पीठ सीधा, पीठ सीधी, आकार छोटा, पीठ सीधी, टांगे छोटी, टांगे छोटी और नुकीली होती हैं या नुकीले होते हैं, सॉरी ध्यान रखना, और नुकीले होते हैं, ये ध्यान रखना। तो इनके जो सामान्य विवरण है, हमने लक्षण इनके क्या होते हैं बता रहे हैं कि इन पशुओं का आकार छोटा होता, कैसा छोटा होता है, पीठ सीधी, क्या होता है पीठ सीधी होती, टांगे छोटी और नुकीली होती, टांगे कैसी होती छोटी और नुकीली होती है। उसके बाद आ जाता है इसमें इन्हें नर का भार, तो हम आप सबको कई कथा नस्ल ये गाय की जो भारवाही नस्लों के अंतर्गत जो यानी लास्ट नस्ल है तो इसको आप सबको हम बता रहे हैं बहुत अच्छी। यानी अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप समझ लीजिए हर हर यानी सभी पेपर अच्छा कर ले जाएंगे, चाहे आप बोर्ड पेपर है या कोई भी पेपर है तो ये अच्छा कर ले जाएंगे। तो इसीलिए हम आप सबको पूरा अच्छे से डिटेल से बता रहे हैं। अब आ जाते हैं इसमें नर का भार, क्या होता नर का भार, अब नर का भार कितना होता है 390 किलोग्राम, कितना होता 390 किलोग्राम, और मादा का भार अब मादा का भार कितना हो जाएगा 285 किलोग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 285 किलोग्राम हो जाएगा। तो ये हमारी कैन कथा नस्ल के अंतर्गत आप सबको हम बता रहे हैं। अब उसके बाद आ जाता है यूटिलिटी में उपयोगिता, क्या यूटिलिटी या उपयोगिता। इस नस्ल के जो बैल होते हैं क्या होते हैं गाड़ी खींचने, कैसे बैल गाड़ी खींचने के लिए उपयुक्त होते हैं। इस नस्ल के बैल बैलगाड़ी खींचने कैसे होते हैं, बैलगाड़ी खींचने के लिए उपयुक्त होते, क्या होते हैं बैलगाड़ी खींचने और हल्के खेती कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। बैलगाड़ी खींचने तथा हल्के खेती के लिए उपयुक्त होते हैं, उपयुक्त होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि हमारी जो कैन कथा नस्ल है इसके बारे में हमने आप सबको बता दिया। अब लास्ट हम देख लेते हैं दुग्ध उत्पादन, यानी दुग्ध उत्पादन का कितना होता है। क्या हो जाएगा दुग्ध उत्पादन, अब दुग्ध उत्पादन कितना होता है 2 से 2.5 किलोग्राम प्रतिदिन, कितना हो जाएगा 2 से 2.5 किलोग्राम प्रतिदिन होता है। तो ये हमारी गाय की कौन सी भारवाही नस्ल, तो सबसे पहले हमने आप सबको बताया गाय की दुधारू नस्ल,
द्विकाजी नस्ल और भारवाही नस्ल। उसके बाद अब आएगा गाय की विदेशी नस्ल जो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो आज हमने जितना आप सबको पढ़ाया, हमें ये उम्मीद है कि हमने आप सबको बहुत अच्छा पढ़ाया, एकदम डिटेल से एक एक क्वेश्चन हमने आप सबको बताया कि जितने भी नस्ल हमने पढ़ाया है बोर्ड पेपर के लिए, मतलब अगर आप वो अच्छा नॉलेज यानी पूरा अच्छा विस्तृत रूप से या डिटेल से पढ़ना है तो आप जरूर हमारे इस वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे हम आप सबको अच्छा से यानी अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, लाते रहेंगे। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ये जरूर बताइए कि ये लेक्चर हमारा आप सबको कैसा लगा और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।